अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं जिनमें मैंने इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बताया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सब चीजों के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। आज जो हमारा कंसीलर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पाउडर, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाउडर को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अत्रा शहरयार। तो आज की वीडियो में जी हमारा है जी डे 6। आपके साथ मैं एक मेकअप कोर्स शेयर कर रही हूँ स्किल जीरा के कोलैबोरेशन से, जिसमें हम लोग बहुत कुछ मेकअप के बारे में सीखेंगे। प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप सैलून पे जाओगे, आप बहुत सारा पे करोगे, उसके बाद आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन और बाकी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन सीख पाओगे। लेकिन स्किल जीरा के कोलैबोरेशन से मैं आपके पास लेके आई हूँ ये मेकअप कोर्स बिल्कुल फ्री। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या स्किल जीरा को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा आप मेरी यूट्यूब वीडियोज भी वॉच करके ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड में आपको इंशाल्लाह जो है वो सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो आज है जी हमारा मेकअप कोर्स का डे 6। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि हमने अपनी स्किन को किस तरह से प्रेप एंड प्राइम करना है फाउंडेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने करनी होती है जी क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के बाद हमने करनी होती है टोनिंग। टोनिंग के बाद हमने यूज करना होता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के बाद हमने यूज करना होता है प्राइमर। प्राइमर के बाद हमने अपने फेस की कलर करेक्शन करनी होती है। देन हम लोगों ने फाउंडेशन अप्लाई करना होता है या बेस अप्लाई करनी होती है। उसके बाद हम यूज करते हैं कंसीलर। तो ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने किस तरह से करने हैं, कौन कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को यूज करके करने हैं, सब चीजें मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं जिनमें मैंने इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बताया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सब चीजों के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। आज जो हमारा कंसीलर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पाउडर, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाउडर को। ठीक है, आपने देखा होगा कि पाउडर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ जो होते हैं वो लूज पाउडर्स होते हैं, कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं, कुछ बनाना पाउडर्स होते हैं, कुछ जो है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली इन सब के दरमियान डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि पाउडर्स की टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ पाउडर्स। बेसिकली पाउडर की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली पाउडर की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है जी लूज पाउडर, जिसको हम सेटिंग पाउडर भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद नेक्स्ट टाइप आती है जी एचडी पाउडर, और एचडी पाउडर के बाद हमारे पास टाइप आती है फिनिशिंग पाउडर। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लूज पाउडर की। लूज पाउडर को बेसिकली हम सेटिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, लूज पाउडर के आगे से 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है जी ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेकंड होता है जी बनाना पाउडर, और थर्ड होता है हमारे पास स्किन टोन पाउडर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस खास नहीं है। जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है ना, ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होता है और इसकी कोई कास्ट नहीं होती, कोई इसका कलर नहीं होता। ठीक है, यह आप अपने किसी भी फाउंडेशन शेड पर अप्लाई करोगे तो ये आपको कोई भी पिगमेंट नहीं देगा। नेक्स्ट होता है जी बनाना पाउडर। बनाना पाउडर जो होता है ना, वो आपको येलो अंडरटोन वालों के लिए बेस्ट होता है। ये आपको येलो पिगमेंट देता है, यानी येलो कलर का होता है। अगर आप जो वार्म अंडरटोन हो और आपने फाउंडेशन भी वार्म अंडरटोन का अप्लाई किया, उसके ऊपर जब आप बनाना पाउडर अप्लाई करते हो तो ये बहुत येलो येलो से आपको लुक देता है और बहुत फोटोजेनिक आपकी पिक्चर्स आती है अगर आप बनाना पाउडर यूज करते हो। उसके बाद जी स्किन टोन पाउडर, आपने देखा होगा कि जिनका कलर डार्क है, डल है, लाइट है, तो इस कलर के भी पाउडर्स आते हैं, तो वो स्किन टोन पाउडर्स होते हैं। ठीक है, जिसका मेरा कलर जो है वो गंदमी है, तो मैं गंदमी कलर का अपने शेड से रिलेटेड पाउडर यूज करूंगी, तो वो स्किन टोन पाउडर होते हैं। यानी जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। जो बनाना पाउडर होता है, ये येलो कलर का होता है, वार्म अंडरटोन वालों के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा स्किन टोन पाउडर आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जी कॉम्पैक्ट पाउडर। अब कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है? लूज पाउडर जो होता है ना, इसके अंदर पिगमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, इसके अंदर पिगमेंट ज्यादा होता है। अब पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से क्या करता है कि हमारे फाउंडेशन को कवरेज प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपने मीडियम जो फाउंडेशन जो है वो मीडियम टोन का अप्लाई किया हुआ है और आप ऊपर से कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करोगे ना, तो यह आपकी फाउंडेशन को हाई कवरेज की लुक देगा। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन मीडियम टोन का अप्लाई किया हुआ है और आप लूज पाउडर अप्लाई करते हो ना, तो ये आपकी फाउंडेशन को बिल्कुल भी कवरेज प्रोवाइड नहीं करेगा। जो आपका फाउंडेशन का कवरेज है, ये उसी को आपको आगे रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना, आपके फाउंडेशन के अंदर कवरेज को ऐड कर देता है। इसीलिए ब्राइड्स वगैरह के लिए ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया जाता है, और लूज पाउडर जो है ना, वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए या पार्टी मेकअप के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने मीडियम कवरेज का फाउंडेशन अप्लाई किया है और उसको आपने हाई कवरेज देनी है, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज करोगे। नेक्स्ट आता है जी एचडी पाउडर। अब एचडी पाउडर क्या होता है? ये आपकी पिक्चर्स को फोटोजेनिक बनाता है।
बेसिकली ये बहुत ज्यादा एचडी लुक देता है मॉडल्स के लिए या फोटोग्राफी के लिए जो मेकअप किए जाते हैं या ब्राइड्स के जो मेकअप किए जाते हैं क्योंकि उनकी भी फोटोग्राफी होती है। इसके अलावा टीवी वगैरह पे आने के लिए जो पाउडर यूज किया जाता है ना, एचडी पाउडर यूज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा एचडी लुक देता है। नेक्स्ट ये आ जाता है फिनिशिंग पाउडर। अब फिनिशिंग पाउडर और लूज पाउडर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो फिनिशिंग पाउडर होता है ना, ये सबसे एंड पे अप्लाई करना होता है। अगर ये आप अप्लाई ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर आप बाय करना चाहते हो तो या तो आप लूज पाउडर बाय करोगे या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर बाय करोगे। कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आपने कवरेज को बढ़ाना है तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगे। अगर आप अपने सैलून में किसी का पार्टी मेकअप कर रहे हो या सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो उसके लिए आप लूज पाउडर यूज करोगे। मैं ज्यादा लूज पाउडर पसंद करती हूँ या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर अपने यूज के लिए पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे अपनी कवरेज बढ़ानी होती है तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना पार्टी मेकअप करना है तो मैं लूज पाउडर को यूज करूंगी। तो होपफुली आज की वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि लूज पाउडर में, कॉम्पैक्ट पाउडर में, एचडी पाउडर में, फिनिशिंग पाउडर में, ट्रांसलूसेंट पाउडर में, बनाना पाउडर में और स्किन टोन पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी भी आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो चीज आपको नहीं समझ आ रही आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा आपने मुझे स्नैक ऐप पे, टिकटॉक पे फॉलो करना है। पिछली क्लासेज जिन्होंने नहीं ली उन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपने जरूर वो मेकअप क्लासेस लेनी है क्योंकि मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रही हूं जी प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस। कोई भी नहीं सिखाएगा आपको इतना जितना मैं आपको डीपली बता रही हूं गाइस। तो आपने मुझे अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं न्यू क्लास आपके साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।